नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं साक्षी जोशी, खबर पंजाब से। आजकल सोशल मीडिया सुपर फास्ट चल रहा है। अगर कोई पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करता तो उसकी बनी हुई वीडियो अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ऐसा ही एक मामला पिछले कई दिन से एक लाल रंग की कार में पुलिस वाले नशा करते दिखाई दे रहे हैं। अब वीडियो बनाने वाले ने इसकी शिकायत पुलिस को की तो अपने ही विभाग का मामला होने पर पुलिस का भी ढूल मूल रवैया रहा। मगर जब वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंची तब कार्रवाई करते हुए पुलिस वाले पकड़े भी गए और जेल की हवा भी खानी पड़ी। आइए सुनते हैं डीएसपी जंडियाला जीएस सहोता को। मिली सी कि एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट उत्ते जिदे विच एक अननोन परसन एलिगेशन लगा रहा है दो मुलाजमान उत्ते कि वो नशा कर रहे ने। ये वीडियो वायरल होने तो बाद एसएचओ जंडियाले नू सीनियर अफसर वालों इंस्ट्रक्शन मिली कि इन्हों बुलाया जाए। इन्हों थाने बुलाया गया, इन्हों थाने बुला के इन्हों की पूछगिछ की गई, फिर इन्हों का मैडिकल करवाया गया जी। मैडिकल इन्हों के जो रिजल्ट मॉरफीन आई जिदे रिजल्ट आन करके सीनियर अफसर गलबात करके उन्होंने मंजूरी लैके इन्हों खिलाफ़ एक परचा रजिस्टर किया गया। 147 नंबर परचा है थाने जंडियाले का अंडर सैक्शन 2168 NDPS एक्ट तो 201 IPC। ये दो मुलाजमान जुडिशल कोर्ट में पेश करके जुडिशल भेज दिया गया। जिस पंजाब पुलिस पर सरकार पंजाब को नशा मुक्त करने के दावे कर रही है, अगर उस पुलिस के कर्मचारी ही नशेड़ी हो तो पंजाब में नशा खत्म कैसे होगा। अमृतसर से सन्नी सहोटा की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।